हेलो बेटा, कैन यू हेयर मी? यस ओके, सो 630 पीपल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेव हिज लाइफ. हर शख्स अपनी जिंदगी बचाना चाहता है. जिंदगी सबको प्यारी होती है, सो फॉर द लाइफ इज स्वीट. अपनी जान बचाने के लिए लोग भगदड़ मचा देते. 630 के 630 में से हर शख्स ये चाहता कि मैं लाइफ बोट्स पे बैठ जाऊं. और जब हर शख्स ये चाहता कि मैं लाइफ बोट्स पे बैठ जाऊं, सो मैन एंड वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स, ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू वन ऑफ द लाइफ बोट्स, वुड श्योरली हैव कॉज्ड अ पैनिक. फिर इसमें क्या होता है कि आदमी और खवातीन सब के सब अपनी अपनी जिंदगी बचाने की कोशिशों में भगदड़ मचा देते. इन द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन Men, women and children might have been crushed underfoot. और इसका नतीजा ये निकलता कि खवातीन बच्चे पांव तले रोन दिए जाते. They might have pushed one another into the sea in their wild efforts to make their way to the boats. ऐसा भी हो सकता था कि खवातीन और बच्चे जो है वो एक दूसरे को, या आदमी एक दूसरे को धक्के दे देते बोट्स तक पहुंचने में, कि हमें जाने दो चाचा, तुम्हारी उम्र हो गई, अब जाओ पानी में जाओ तुम, हमें बोट पे बैठने दो, हमें जान बचाने दो. सो द बोट्स माइट हैव बीन ओवरलोडेड एंड संक अंडर द वेट. ऐसा भी हो सकता था कि जहां पर 60 पैसेंजर्स की गुंजाइश हो, वहां पर 80-90 पैसेंजर्स बिठा लें, W11 बना दें उसको, जैसे हम यहाँ पे खान कोच में करते हैं, ऊपर छत पे भी लोग बैठे होते हैं. तो लाइफ बोट्स में भी बहुत सारे लोगों को बिठा लें, फिर वही होगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लो पूरी की पूरी कश्ती जाएगी. Such things had happened before. इस तरह की चीजें पहले हो चुकी थी. Whoever was the strongest had won his way to the boats. जो ताकतवर होता था वो जिंदगी की बाजी जीत जाता था. पहले ऐसा हो चुका था. The weakest, women and children, the old and the sick, had often been left to their fate. खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सबको उनकी किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता था. If such a thing had happened on the Beaconhead, अगर ऐसा काम Beaconhead पर हुआ होता, ऐसी भगदड़ मची होती, not one out of the 630 people would have been saved. तो 630 में से एक शख्स को भी नहीं बचाया जा सकता था. But there was no panic on the Beaconhead. लेकिन Beaconhead पर कोई पैनिक नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी. सम कन्फ्यूजन देयर वॉज बाउंड टू बी. हाँ, कुछ लोग जरूर घबराए हुए थे. जिंदगी और मौत का सवाल था. एक आवाज वहां पर आई थी मजमे में, आउट विद द बोट्स एंड लेट अस अवे, समवन मे हैव क्राइड. किसी ने ये भी कहा था कि जल्दी से ये बोट्स निकालें, हमें यहाँ से ले जाएं. हूएवर इट वॉज हु हैड क्राइड दिस, इट वॉज नॉट वन ऑफ द यंग सोल्जर्स. जिसने भी ये बात बोली थी वो सोल्जर्स में से तो नहीं था, सिपाहियों में से नहीं था. हो सकता है किसी बच्चे ने घबराहट में बोल दिया हो कि मुझे कश्ती में बिठाएं ले जाएं, या किसी खातून ने जो है वो घबराहट में ये बात कह दी हो कि भाई जल्दी से क्या कर रहे हैं, लाइफ बोट्स निकालें, हम लोगों को बचा लें. देयर वाज परफेक्ट डिसिप्लिन एंड ग्रेट हीरोइज्म अमंग द ट्रूप्स. परफेक्ट डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जा रहा था, बेहतरीन जो है वो हीरोइज्म थी, बहादुरी का मुजाहरा किया जा रहा था. फौजी दस्ता जो था, जो फौजी जवान थे, वो सारे के सारे जो है वो नज्म व जब्त का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे. देयर वाज परफेक्ट डिसिप्लिन अमंग द ट्रूप्स. विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे. और उस दिन का ये ऑर्डर था, खवातीन और बच्चे पहले बचाए जाएं. अगरचे कमांडर बहुत यंग था, इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उसका डिसीजन बहुत अच्छा था. कहते हैं कि पहले खवातीन और बच्चों को बचाएं. द कमांडर ऑफ द शिप कॉल्ड ऑन हिज मैन टू गैदर टुगेदर ऑन द डेक इन प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर. और कमांडर ने ये भी फैसला सुनाया कि जनाब तमाम के तमाम सिपाही डेक पर जमा हो जाएं, ओपन स्पेस पे जमा हो जाएं, प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर में. प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर का मतलब जिस तरह वो लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, जब फौजी जो है, फौजी जवान होते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जो है वो जमा होते हैं, तो जनाब वहां पर उनके बाल प्रॉपर सेट होते हैं, बूट पॉलिश होते हैं, यूनिफॉर्म क्रीजलेस होता है,
चेहरे पर कोई टेंशन, कोई घबराहट, कोई हिचकिचाहट नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश फेसेस के साथ वो लोग मॉर्निंग ड्रिल्स करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। तो कमांडर ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी अफवाज के सिपाही हैं, मेरे जो साथी हैं, वो सब ड्रिल ऑर्डर में खड़े हो जाएं। खबरदार, कोई भी लाइफ बोट्स में नहीं बैठेगा। सबसे पहले जो लाइफ बोट्स में बैठने का हक है वो खवातीन और बच्चों का है। सो लाइन अपॉन लाइन ऑफ रेड कोटेड सोल्जर्स विद सेट फेसेस स्टूड इन देयर रैंक्स कामली अवेटिंग देयर फेट। बस ये हुक्म का मिलना था। कतार दर कतार लाल कोट पहने हुए सिपाही खड़े हो गए और वो प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर में मौजूद थे, अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। मीनवाइल द लाइफ बोट्स हैड बीन लोअर्ड, और इसी दौरान जो वो लाइफ बोट्स लगा दी गई थी। व्हेन ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड फिल्ड द बोट्स देयर वुड बी रूम फॉर ओनली अ वेरी फ्यू अदर्स। अब जब तमाम खवातीन और बच्चे बैठ गए तो यकीनन उस जहाज में कुछ और लोगों की भी जगह थी उन लाइफ बोट्स में, क्योंकि एक लाइफ बोट्स में 60 पैसेंजर्स आ सकते थे, तो तीन लाइफ बोट्स में 180 पैसेंजर्स आ गए, जबकि स्पेस जो थी, जगह जो थी, 170 की थी। मतलब खवातीन और बच्चे जो थे वो 170 थे, तो 10 लोगों की जगह भी और बची थी। लेकिन कोई भी सिपाही ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि भाई 10 लोगों की जगह बाकी बची है, आप एक काम करो मुझे जगह दे दो, आप जो है वो मुझे बिठा लो यहाँ पर। सो when all the women and children had filled the boats there would be room for only a very few others. The man stood still and watched as the women and children were placed in the boats. tamam log jurratmandi se bahaduri se khade hue the, apne ghar walon ko apni nazron ke samne life boats mein baithte hue dekh rahe the. as the boats sailed away, jab wo kashtiyan wahan se chalna shuru ho gayi, they saw the red lines of uniformed soldiers standing at attention as they were at their daily drill. un logon ne dekha, खवातीन ने, बच्चों ने देखा कि उनके घर वाले, उनके वालिद साहब, उनके हस्बैंड जो है, बच्चों के वालिद और खवातीन के हस्बैंड प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर में खड़े हैं और जो है वो ऐसा लगता है जैसे अभी ये मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और वो किस्मत का इंतज़ार कर रहे थे, वो मौत को गले लगा रहे थे। उन्हें तो सिखाया ही ये जाता है ना कि इज्जत की खातिर, वक़ार की खातिर, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी कैसे देते हैं। सो दे वर शोइंग प्रैक्टिकल ऑफ दैट, वो उसका प्रैक्टिकल दिखा रहे थे। ships company with their captain stood by the soldiers and went down with them as the wrecked ship sank into the waters. और वो कश्ती, कैप्टन, सोल्जर्स, तमाम अमला, सारे के सारे लोग कश्ती के साथ साथ पानी में ही चले गए, सब डूब गए। So that was a tragedy, ये हादसा हुआ था। A very few knew, बहुत कम लोग, वेरी फ्यू, अ फ्यू ऑफ दीज स्ट्रगल टू द सरफेस ऑफ द सी एंड होल्ड ऑन टू द पीसेस ऑफ द रैकेट अंटिल अ रेस्क्यू शिप अराइव्ड ऑन द सीन एंड पिक देम अप, बट 436 मैन वेंट डाउन फॉरएवर। एवरीवन वाज लॉयल टू हिमसेल्फ एंड टू हिज ड्यूटी। कहते हैं कि अब जब कश्ती डूब गई तो हर शख्स अपनी अपनी सी कोशिश करने लगा, क्योंकि अब जब सारे डूब गए तो जाहिर है जिनको तैरना आता हो वो जब तक उनके हाथ पांव नम ना हो जाएं वो डूब नहीं सकते, वो कोशिशें तो करेंगे हर शख्स। कुछ लोगों ने जो है वो टूटे हुए टुकड़ों को पकड़ लिया कश्ती के, और फिर थोड़ी देर के बाद वो रेस्क्यू शिप आई तो उन्हें बचा लिया गया, लेकिन 430 मैन वेंट डाउन फॉरएवर, 430 अफराद जो है वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। Everyone was loyal to himself and to his duty. उनमें से हर शख्स बड़ा वफादार था अपने आप से, अपने वतन से, अपनी जिम्मेदारी से। The commander of the troops was hanging onto some wreckage, and when he saw two young sailors struggling in the water, he pushed the wreckage towards them, and all three held onto it. Then the commander realized that if he hung on with the boys, the wreckage was not strong enough to support all three, so he let go his hold and sank into the sea. वो troops का जो commander था, वो wreckage पे जो है उसने पकड़ा हुआ था अपने एक जो है मलबा या टुकड़ा जहाज का, उसने देखा कि दो नौजवान सिपाही हैं, वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिशों में लगे हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पानी में गोता लगाते हैं, फिर बाहर आते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, दोबारा पानी में गुड़प हो जाते हैं।
उसने वो जो टुकड़ा पकड़ा हुआ था मलबा कश्ती का टूटा हुआ हिस्सा वो उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया कि भाई आप भी इसको पकड़ लो डूब जाओगे वरना। उन दोनों ने सिपाहियों ने उस मलबे को उस रैकेज को उस टूटे हुए टुकड़े को पकड़ लिया। अब तीनों उसको पकड़े खड़े। कमांडर रियलाइज्ड कमांडर ने ये एहसास किया कि भाई ये जो टुकड़ा मैंने पकड़ा हुआ है ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि तीन बंदों का वजन बर्दाश्त कर सके। तो इससे पहले कि वो सोल्जर्स को कहता कि भाई आप दोनों में से कोई एक इसको छोड़ दो, उसने खुद उसको छोड़ दिया, खुद डूब गया। लेकिन दो नौजवानों की जिंदगी बचा गया, दो नौजवान लोगों की जिंदगी उसने सेव कर दी और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। द ऑफिसर ऑफ द ट्रूप्स हु वाज रेस्क्यूड रिपोर्टेड, एक ऑफिसर को बचा लिया गया था। तो फिर उनसे बाद में पूछा कि भाई क्या हाल था उस वक्त, क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे, लोगों के क्या तासुरात थे। तो उसने बाद में बताया इंटरव्यू में, द डिटरमिनेशन ऑफ ऑल हैंड्स वाज फार मोर देन आई थॉट कुड बी अफेक्टेड बाय द बेस्ट डिसिप्लिन। कहते हैं कि जनाब उस वक्त जो लोगों ने नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा था। एवरीवन डिड एज डायरेक्टेड, सब ने ऐसा ही किया जैसे बताया गया था। देयर वाज नॉट अ मर्मर अमंग देम, कोई बड़बड़ा भी नहीं रहा था उनमें, मतलब किसी ने कंप्लेन ही नहीं की। ऑर्डर्स वर कैरीड आउट एज इफ द मैन वर गेटिंग ऑन द शिप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉटम। लोग ऐसे हुक्म मान रहे थे जैसे अभी ये टूटा हुआ जहाज चलना शुरू हो जाएगा, हालांकि सोल्जर्स को पता था कि हम समंदर की तह में जाने वाले हैं, समंदर की गहराई में जाने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं, ये जहाज डूब जाएगा। लेकिन फिर भी जो ऑर्डर्स थे उनको वो मान रहे थे और जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे। बीकन हेड ड्रिल, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, is the order followed on all ships that are in danger. Beacon head, khawateen aur bacche first. ab ye ek order ban gaya hai, ye ek law ban gaya hai, ye ek kanoon ban gaya hai. duniya mein jahan kahin bhi pani ke jahaz ko koi khatra hoga wahan par ye rule follow hoga, women and children first, sabse pehle khawateen aur bachchon ko bachaya jaye. ye to badi khatarnak baat hai, hamare to khawateen aur bacche hi zyada hote hain, hame bachane ki to nobat hi nahi aayegi, ab tak dub jayega jahaz. बहरहाल अब ये ऑर्डर है, तमाम जो है वो पानी के जहाज में जब भी वो परेशानी में हो या जहाज को कोई मुसीबत हो, पहले खवातीन और बच्चों को बचाया जाएगा। बीकन हेड ड्रिल मींस टुडे टू स्टैंड एंड बी स्टिल फेसिंग सर्टेन डेथ। बीकन हेड का मतलब होता है साबित कदम रहना, मौत का सामना करना, सो दैट वीकर वंस मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ, ताकि हम दूसरों को जिंदगी जीने का मौका दे सकें, ताकि वो कमजोर लोग भी जिंदगी जीने के मौके हासिल कर सकें। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जो शख्स जीते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में। जैसे बीकन हेड ड्रिल में जो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, 150 साल बाद भी हम इनको पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही लोग जो है वो फिर लोगों के दिलों में जिंदा हो जाते हैं जो दूसरों की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। सो इट टीचेस अस अ लेसन दैट वी शुड सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर द सेक ऑफ ऑनर, फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत, अजमत, काम, अपने फराइज की अदायगी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी हमें दरेग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये लेसन जो है वो एंड होता है। अभी इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। अक्सा बेटा, डिड यू गेट इट? यस सर। दुआ अली, दुआ आर यू गेटिंग? निम्रा बेटा, यस सर, समझ में आ गया सारा? चलिए ठीक है, गुड। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज, जब तक के लिए।